ये लॉकडाउन के अंदर जैसे जैसे आप लोगों को भी खबर थी, आप लोग भी डेली ये न्यूज़ आती थी कि काफ़ी मात्रा में ये शराब यहाँ पर बिक रही है, तो हम भी कई पुख्ता सोर्स के उस पर कोशिश भी कर रहे थे। तो मेरे साथी हैं एक्साइज इंस्पेक्टर वीरेंद्र जी, उनके पास आज कोई सोर्स था कि ऐसे ऐसे कोई गाड़ी किसी रोड पे है और उसके अंदर शराब है। तो हमने पुख्ता सोर्स के ऊपर काम करते हुए गाड़ी के लिए हमने कुछ अपनी टो के इसको कोशिश की थी कि मेन रोड पे जैसे ही गाड़ी आए तो हम इसको पकड़ें। तो हम जैसे ही रेलवे स्टेशन की बैक साइड में देख लिया था कि गाड़ी उस साइड से आ रही है, तो हमने थोड़ा साइड में लेके इसको ट्रेस करने की कोशिश की। तो जैसे ही इसमें देखा कि सर कुछ लोडेड तो है, जैसे ही गाड़ी हम पीछे लगाई तो भागने की कोशिश की, और भागने के साथ साथ हमें इसमें कन्फर्म हो गया कि शराब है। तो इसने फिर हमारी गाड़ी में टक्कर मारने की भी कोशिश की। कितनी शराब है और इसके इसमें आगे पास भी लगाया जी, सर्विस का? इसमें एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पास इशू लगाया हुआ है, जिसमें शायद ब्रेड व्रेड बांटने का स्टिकर लगा हुआ है, जो कानून गलत है, इसका मिसयूज कर रहे हैं ये, और इसके अंदर ये शराब बेच रहे हैं। कुछ बताया कहाँ ले जा रहे थे, किसको? सर हमें अभी जब अभी इनसे पूछा है थोड़ा बहुत, इन्होंने बताया कि हम NIT की तरफ इस शराब को लेके जा रहे थे। अभी तक ये कन्फर्म नहीं कर पा रहे हैं कि इन्होंने ली कहाँ से, ये इंटरोगेशन का पार्ट है। और हम इसमें 3 लोग शामिल है जी, अभी 3 लोगों को हमने राउंड अप किया हुआ है।